हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ एस्कर डिस्प्ले में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने रेडमी 5 मोबाइल का बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा रेडमी का 5 मोबाइल है और मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के अबाउट सेटिंग में, जहाँ पर मैं जो MIUI का वर्जन है वहाँ पे मैं 4 से 5 बार क्लिक करूँगा जिससे मेरा डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पे पॉपअप मैसेज आ चुका है कि मेरा डेवलपर मोड ऑन हो गया है। अब मैं चलता हूँ मोबाइल के एडिशनल सेटिंग में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये डेवलपर मोड ऑन है। अब देखो मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मेरा बूट लोडर अनलॉक नहीं है, तो मैं इसे OEM अनलॉक पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं आपको जो USB डबिंग है उसको भी ऑन कर देता हूं, और मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा मोबाइल का अनलॉक है या नहीं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पे दिस डिवाइस इज़ अनलॉक, तो आप देख सकते हैं डिवाइस से मेरा अनलॉक नहीं है, दिस मोबाइल इज़ सिक्योर लिखा है। आप देख सकते हैं दिस फ़ोन इज़ सिक्योर। सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। जैसे ही आपके मैसेज आ जाएगा ऐड अकाउंट सक्सेसफुल्ली, वैसे ही आपको अपना मोबाइल शट डाउन करना होगा। तो पहले मैं अपने मोबाइल को शट डाउन कर लेता हूं और फास्ट बूट पे डाल लेता हूं। तो दोस्तों फास्ट बूट पे करने के लिए आपको प्रोसेस पता ही होगी, नहीं पता तो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा MI का अनलॉक टूल है जो कि मैंने zip फाइल में था, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा MI का फ्लैश टूल है। तो मैं सबसे पहले इसे ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद इसे चाहिए होगा PC को आपको इंटरनेट देना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका MI अकाउंट की लॉगिन ID हो, लॉगिन ID आपको चाहिए होगी। मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी MI अकाउंट अगर नहीं होगा आपका तो ये अनलॉक नहीं होगा। तो आपको इसके लिए MI का अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद यहाँ पे अनलॉक करना होगा। तो आप MI का अकाउंट फेसबुक के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आपका लिंक होना चाहिए तभी आप यहाँ पे साइन इन कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना MI का अकाउंट का लॉगिन ID और पासवर्ड यहाँ डाल दिया है, और ये कुछ टाइम लेगा कन्फिग होने में। तो आप देख सकते हैं ये कन्फिग हो रहा है, और यहाँ पे जैसे ही ये कन्फिग हो जाएगा और फिर आगे की परमिशन मिल जाएगी। तो बूट इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल को फास्ट बूट में डालना होगा, मैंने जैसा ही बताया। आपको मोबाइल शट डाउन करना होगा। शट डाउन करने के बाद आपको पावर प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को होल्ड करके रखना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब मैं मोबाइल को अपने पावर ऑफ करता हूँ इसे, क्योंकि मेरे यहाँ पे डायरेक्ट फास्ट फूड का ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं पहले इसे शट डाउन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल शट डाउन हो चुका है। शट डाउन होने के बाद अब मैं इसमें पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की कुछ देर दबा के रखूँगा। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी देर इसे होल्ड डाउन करके रखूँगा, जैसे ही मोबाइल वाइब्रेट करता है ये फास्ट बूट पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल का फास्ट बूट मोड ऑन हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गुड्डा सा बन गया है, ये ऐसा गुड्डा बन के आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं ये आपका फास्ट बूट पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन इसमें कनेक्टेड हो चुका है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको अनलॉक पे क्लिक करना होगा, ये कुछ वार्निंग देगा, आपको अनलॉक एनीवे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों काफ़ी लोगों के 90% पे ये एरर आ जाता है या 99% पे भी आ जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ वो 99% पे एरर इसलिए आता है क्योंकि इसके लिए आपका जो परमिशन लेनी होगी, और परमिशन आपको ऑनलाइन मिलेगी Xiaomi के MI अनलॉक वेबसाइट पर। तो आपने अगर परमिशन नहीं ली है तो तब तक आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। मैंने परमिशन ली थी तो मुझे परमिशन ग्रांटेड का मैसेज तो लगभग 2 सेकंड में ही आ गया था, बट मुझे
जो बूट लोडर अनलॉक का परमिशन 15 डेज बाद में दी, यानी 360 हावर। तो मैंने 360 घंटे कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन परमिशन ले ली है तो शाओमी ने आपको टाइम दिया होगा, जो कि अगर आप अनलॉक करोगे आप पीसी से तो वहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि आपका फ़ोन 360 घंटे या जो भी शाओमी ने आपको टाइम दिया हो उस टाइम में अनलॉक कर सकते हैं। तो मैंने जब इसे जो शाओमी को परमिशन ली थी शाओमी से, तो वहाँ पे मुझे मैसेज आया था कि आपका फ़ोन 360 घंटे बाद अनलॉक होगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे ही मैं 360 घंटे कंप्लीट कर लेता है मेरा फ़ोन, यानी कि 15 डेज, तो मैंने जब 15 डेज़ के बाद ट्राई किया दोस्तों, तो ये मैसेज नहीं आया। और जब मैंने 15 डेज से पहले मैं जब ट्राई करता था तो वहाँ पे कुछ एरर आता था, कोड कुछ एरर आता था कि जो भी का 90% पे आ जाता था, कभी 99% पे, लेकिन बूट लोडर अनलॉक नहीं होता था। तो चलिए चलते हम एडिशनल सेटिंग में आपको दिखा देते हैं मेरा बूट लोडर अनलॉक हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये सॉरी, मैंने डेमो क्लिक कर दिया बूट लोडर स्टेटस। तो आप देख सकते हैं मेरा बूट लोडर दिस डिवाइस इज अनलॉक क्लिक किया गया है, मेरा बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक बूट लोडर अनलॉक नहीं कर पाया तो आप इस मेथड से बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परमिशन ऑनलाइन लेनी होगी, उसके बाद कुछ समय के बाद आपका बूट लोडर अनलॉक हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना।